नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में, जिसमें हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री के सुपरस्टारों से जुड़ी कुछ स्पेशल खबरें। पहली खबर जाल फिल्म से जुड़ी है, जिसमें शुभी शर्मा नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के लिए शुभी शर्मा हाल ही में जिम में पसीने बहाते नजर आए हैं। रितेश पांडे पुलिस के किरदार में नजर आए हैं। काशी विश्वनाथ फिल्म के लिए उन्होंने अपना लुक चेंज किया है। दबंग सरकार ने तीसरा सप्ताह बहुत ही दमदार तरीके से बिता लिया है। फिल्म की पूरी टीम में बेहद खुशी देखी जा रही है। अंजना सिंह की फिल्म वांटेड का एक आइटम सॉन्ग रिलीज हुआ था और पहले भी हो चुका है, लेकिन दोबारा रिलीज किया गया है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। खेसारी बचपन में चोरी किया करते थे, ये बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताई है। तो जितनी खबरें हमने आपको बताई हैं उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नजर। भोजपुरी इंडस्ट्री की लकी गर्ल और खूबसूरत अभिनेत्री आम्रपाली दुबे का बीते दिन पहले जन्मदिन था। अपने जन्मदिन को लेकर पूरे दिन सोशल मीडिया पर आम्रपाली दुबे छाई रही। 11 जनवरी के दिन आम्रपाली दुबे ने अपनी उम्र का एक साल का पड़ाव और पार कर लिया है और वो हो गई हैं 32 साल की। जी हाँ, आम्रपाली दुबे हर साल अपना बर्थडे सारे फिल्मी सितारों के बीच पार्टी शादी करके बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया करती थी। हर साल उन्हें निरहुआ ही सरप्राइज पार्टी दिया करते थे, लेकिन इस साल बड़े सादगी से आम्रपाली ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, ना तो फिल्मी सितारों के बीच और ना ही पार्टी शादी करके, क्योंकि आम्रपाली दुबे ने इस साल गरीबों के बीच अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। गरीबों को कम्बल दान करके, खाने पीने की चीज़ें दान करके उन्होंने उन्हीं लोगों के बीच अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें आप लोग इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे। गरीब बच्चों को खाने पीने से लेकर कम्बल बांटने के अलावा आम्रपाली दुबे ने किसी किसी को पैसे भी दिए हैं। इस दौरान आम्रपाली का पूरा परिवार उनके साथ था। हालांकि आम्रपाली के साथ इस दौरान निरहुआ कहीं भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन चैरिटी करने के बाद आम्रपाली के चेहरे की खुशी साफ साफ बयां कर रही थी कि उन्हें ये काम करके बहुत खुशी मिली है। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। इन दिनों भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी फिल्म जाल की शूटिंग में बिजी हैं और साथ ही इन दिनों वो अपनी फिल्म जाल को लेकर काफी कुछ बातें करते हुए नजर आते हैं। साथ ही हाल ही में उनका एक इंटरव्यू वीडियो सामने आया है, जो कि हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन बता दें आपको कि इसमें खेसारी लाल यादव ने इस फिल्म के बारे में ढेर सारी बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म जाल उनके परिवार की कहानी पर बेस्ड है। उन्होंने आगे बोला कि मैंने डायरेक्टर को बोला था कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो मेरी असल जिंदगी से जुड़ा हुआ हो और मेरी जिंदगी से जुड़ी कुछ कहानी लेकर आओ इस फिल्म में। तो वहीं खेसारी ने आगे बताया कि मैं बचपन में बहुत चोरी करता था और कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब मेरे घर पर कोई शिकायत लेकर नहीं आता था। तो वहीं उन्होंने आगे बताया कि मैं अपने घर में सबसे बदमाश बच्चा था। वहीं फिल्म जाल की कहानी को लेकर उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक ऐसी ही कहानी है जिसमें माँ बाप के ऊपर फिल्माया गया है और साथ ही साथ बताया गया है कि एक बच्चे की जिंदगी में माँ बाप की क्या अहमियत होती है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से जानने के लिए। हाल ही में पवन सिंह की फिल्म वांटेड का एक गाना काफी चर्चे में है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फिल्म वांटेड यूं तो काफी चर्चे में रही, लेकिन अगर बात की जाए फिल्म वांटेड के इस गाने की, तो बता दें आपको कि इस गाने ने रिलीज होते ही हर किसी का दिल जीत लिया है। जी हाँ, बता दें आपको कि इस सॉन्ग में अंजना सिंह का जबरदस्त आइटम नंबर देखने को मिल रहा है। वही अगर बात करें इस फिल्म के बोल की, तो बता दें आपको कि इस फिल्म के बोल है घूंघटा उठा के। बता दें कि इस गाने को अलका झा ने गाया है और ये अंजना सिंह के आइटम सॉन्ग पर फिल्माया गया है और साथ ही इस गाने में अंजना सिंह के जबरदस्त लटके झटके देखने को मिल रहे हैं। तो साथ ही साथ अंजना सिंह का जबरदस्त अवतार और उनकी खूबसूरती नजर आ रही है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से जानेंगे। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों कई बातों को लेकर चर्चे में बने हुए हैं और साथ ही इन दिनों वो अपनी फिल्म जाल की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन इन दिनों एक और बात को लेकर आ गए हैं चर्चे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उनकी फिल्म दबंग सरकार इन दिनों यूपी और पूर्वांचल में काफी ज्यादा देखी जा रही है और साथ ही इन दिनों उसकी इस फिल्म ने पूर्वांचल में तीसरा हफ्ता पार कर लिया है और हर दिन सिनेमा घरों के आगे लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली।
वहीं बता दें कि फिल्म को बिहार और झारखंड में काफी अच्छा रिस्पांस मिला था और लगातार 5 से 6 हफ्ते फिल्म चली थी, तो वहीं अब पूर्वांचल में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी लाल यादव इन दिनों हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं और हर किसी की पहली पसंद बन चुके हैं। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। इन दिनों खेसारी लाल यादव अपनी फिल्म जाल की शूटिंग में बिजी हैं और साथ ही इन दिनों उनके साथ इस फिल्म में शुभी शर्मा भी नजर आने वाली हैं, जिसके लिए शुभी काफी जमकर तैयारी कर रही हैं। बता दें कि इन दिनों शुभी शर्मा जिम में खूब पसीना बहा रही हैं और साथ ही काफी कड़ी मेहनत भी करती हुई नजर आ रही है। वही बात करें खेसारी लाल यादव की तो बता दें आपको कि इन दिनों वो जिम में काफी ज्यादा पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं और ज्यादातर उन्हें जिम में स्पॉट किया जाता है और साथ ही इन दिनों वो भी फिल्म की शूटिंग में जोरों शोरों से बिजी हैं। बता दें कि इस साल यानी 2019 में ऐसी खबरें आ रही हैं कि खेसारी लाल यादव की कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं, जिनमें से कुछ की शूटिंग पूरी हो चुकी है तो कुछ की शूटिंग चल रही है और आने वाले टाइम में कुछ फिल्मों की शूटिंग होनी है, तो ये देखना भी काफी मजेदार होगा कि खेसारी लाल यादव 2018 की तरह 2019 में नंबर वन बन पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। हाल ही में सोशल मीडिया पर रितेश पांडे की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस के रोल में वो नजर आ रहे हैं और इस फोटो को देखकर तो हर कोई यही अंदाजा लगा रहा है कि आने वाली फिल्म जिसका नाम काशी विश्वनाथ है, जिसमें उनके साथ काजल राघवानी नजर आने वाली हैं, उसमें उनका ये लुक नजर आने वाला है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के सेट से हाल ही में कुछ और फोटोज भी सामने आई थी, जिसमें काजल राघवानी और रितेश पांडे रोमांटिक अंदाज में नजर आए थे और कहा जा रहा था कि ये फोटोज उनके फिल्म काशी विश्वनाथ की थी। वहीं बात करें काजल राघवानी की तो बता दें आपको कि काजल राघवानी भी इन दिनों अपनी कई फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं और साथ ही काजल और रितेश के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। आज के सुपरस्टार स्पेशल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही इंडस्ट्री और सितारों से जुड़ी, सुपरस्टारों से जुड़ी कुछ स्पेशल खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।